अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के, हम जो सा वो टाइप डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया था। आज हम क्या कर रहे हैं, जो वो मेन कैटेगरीज थी, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की जो सा वो दो टाइप्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मैकेनिकल वेव्स को किस किस वेव से हमने वाला डिस्कस किया वो हम डिफ्रेंशिएट किया वो हम देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इट्स, मैकेनिकल वेव में भी क्लासिफाइड एज अ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, कि हमने वेव्स को उनके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उनके मीडियम के रिस्पेक्टिव से उनको दो पार्ट्स में, दो वेव्स में, दो टाइप्स में डिस्कस किया। एक हमारे पास कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं, और एक हमारे पास उनसे वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये पेज नंबर 9 के ऊपर जो हमारे पास की डेफिनेशन अवेलेबल है, तो वो देखते हैं। ये कहता है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कोई ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें क्या करते हैं वाला पार्टिकल ऑफ द मीडियम बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब आपके पास टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, लाइक बॉडी जो है वो लेफ्ट टू राइट, लाइक ये हमारे पास उसका मेन पोजीशन है, ये हमारे पास उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो आपके पास बॉडी का कर रहा है वाला मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए एंड टू एंड फ्रो, ये क्या कर रहा है वाला मूवमेंट कर रहा है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में कहते हैं। ठीक है, इसको हम विद सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पेज नंबर 8 पे उसने एग्जांपल शो की हुई है, उसने स्लिंकी, स्लिंकी क्या होता है, एक हमारे पास स्प्रिंग है जो कि हमने किसी सॉलिड बॉडी के साथ अटैच किया, उसको हम स्लिंकी कहते हैं। तो उससे हम डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस ऑन अ स्मूथ सर्फेस और ऑन अ लॉन्ग बेंच, फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड टू द अदर हैंड। अगर हम इसको किसी सर्फेस एरिया पे, किसी प्लेन सर्फेस के ऊपर रखें, तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, कुछ इस तरह की बनेगी कि जो मूवमेंट ऑफ द हैंड की, अगर हम उसको खींच के को एक्सटेंड करें इस तरफ को, ठीक है, और जब उसको छोड़ते हैं तो छोड़ने पे क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेवियर नजर आता है, लाइक कहीं पे जो है ना वो वेव्स जो है वो बहुत एक दूसरे के एक क्लोज्ड पड़ी हुई है, और कहीं पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनके बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखें, यह जो है कुछ पोर्शन जो है वो क्लोज्ड है और कुछ जो है वो बीच में गैप है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में उसने उसको मजीद क्लैरिफाई कर दिया, मजीद डायग्राम में उसने बता दिया है कि कुछ जगह पर जो है आपके पास जो है वो वेव्स बहुत क्लोज है, जबकि कुछ जो है वो क्या बोला आपस में रिलैक्स हुई है, और फिर देन उसको दोबारा से क्लोज नजर आ रही है। अब इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बोला, जो क्लोजनेस है उसको कंप्रेशन कहते हैं, और जो एक्सपेंड ऑफ द वेव्स है वो क्या बोला रेयरफैक्शन है, और देन फिर कंप्रेशन है। कंप्रेशन क्या कहते हैं बोला, अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी, सच अ वेव्स कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, जहां पे लूप्स जो है वो एक दूसरे के पास होंगे, करीब होंगे, उस पोर्शन को क्या कहते हैं बोला कंप्रेशन पोर्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड अल्टरनेटिंग विद द रीजन आर कॉल्ड रेयरफैक्शन एक्सपेंशन विद द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, और जहाँ पे स्पेस ज्यादा होगी वो कौन सा पोर्शन है वाला रेयरफैक्शन है। यानी कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक हमारे पास कंप्रेशन है और एक हमारे पास रेयरफैक्शन है। इन द रीजन्स ऑफ द कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टूगेदर, ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है, हमें डायग्राम में देखना भी पड़ रहा है कि पार्टिकल जो है वो दूसरे के बहुत क्लोज है, कहाँ बोला ये कंप्रेशन की फॉर्म में। और वाइल इन द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस अपार्ट, और रेयरफैक्शन की फॉर्म में वेव्स जो है वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होगा, जो 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 पोर्शन होगा उसको क्या कहते हैं बोला वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या है बोला, दो कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला होगा उसको क्या कहते हैं बोला लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है आपको पता है वो लैम्डा होता है, एस आई यूनिट जो हो लैम्डा का है, वेवलेंथ का है वो क्या होता है मीटर होता है। द कंप्रेशन एंड द रेफ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ, क्योंकि हमने बात की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा क्या कर रही होती हैं बोला बैक एंड फोर्थ ही मूव कर रही होती हैं, तो इस वजह से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया है। इस टॉपिक में हमारे पास जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी बोला, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन को हमने क्या कहा बोला वो वेव्स जो कि वो पोर्शन ऑफ द वेव जहाँ पे वेव्स दूसरे के बहुत करीब पड़ी होती हैं और जहाँ पे दूर होती हैं वो क्या होता है रेफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर बोला लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बाद नेक्स्ट कौन सी है, वो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स क्या पहले हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप है, डेफिनेशन पहले इसकी पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या था हमारे पास, वो बॉडी वेव्स क्या कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या कर रही है, बॉडी जो होता है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, परपेंडिकुलरली मूव करेगी। आपको ऊपर डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि वेव्स जो होता है वो क्या कर रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। ये हमने वेव्स के बारे में पहले भी तफसील से पढ़ चुके हैं। अब जो अप एंड डाउन मूवमेंट जब होगा उसमें अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव्स बनेगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर कुछ इस तरह की वेव्स बनेगी ये चीज। अब इसका जो अपर पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, पहले भी डिस्कस किया, ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, और जो लोअर पार्ट होता है इसका वो क्या कहलाता है, हमारे पास ट्रफ कहलाता है। और यहाँ पे उसने जो एग्जांपल दी है ट्रांसवर्स वेव्स की, वो उसने एक स्प्रिंग की एग्जांपल दी है, वो एक स्प्रिंग अक्सर कहा आपने देखा होगा बचपन में, बच्चे जो होता है वो एक स्प्रिंग के साथ खेलते थे जो कि कलरफुल सा हुआ करता था और ऊपर अप डाउन उसकी मूवमेंट होती थी, तो एक साइड से वो फिक्स है और अदर एंड से जो होता ना वो आप उसको ग्रैप्स करते थे उसको, और एक साइड से मतलब उसको पकड़ा और दूसरी तरफ जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर जो है वो अल्टरनेटिव एंड्स पे क्रस ट्रफ की जो वेव्स जमा पे क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, यानी कि हायर पॉइंट पे जो है वो क्रस्ट जनरेट होगा और लोअर पॉइंट पे जो है वो क्या कहलाएगा, भला ट्रफ जनरेट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब इस केस में क्या होगा भला कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला होगा उसको क्या कहेंगे, भला वेवलेंथ कहेंगे या लैम्डा कहेंगे, और लैम्डा हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये भला हमारे पास क्या भला एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। तो होपफुली आपको इस टॉपिक को मजीद समझ डिटेल में समझ आ गया होगा, अपने फीडबैक से जो हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।